हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑफ सिक्स सेमेस्टर स्किल वाली। और इससे पहले एजुकेशन की 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं, एक इंग्लिश की वीडियो अपलोड हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड होती है JKSSP के लिए, 4th क्लास एग्ज़ाम के लिए एंड कॉन्टेस्टेंट। अगर आपने अपने कुछ बच्चों ने फॉर्म भी भरा होगा तो आप वो भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं। एंड और भी जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो कुछ अपलोड हुई हैं, कुछ होंगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे जर्नलिज्म, उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स, हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स क्या है इन रेफरेंस टू जर्नलिज्म, एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म से। जो जर्नलिज्म है वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसको असेस करना और क्रिएट करना, उसको हम जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इन सभी एक्टिविटीज़ का, गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज़, इन सभी की एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट को हम जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक, जो रिसेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट को प्रोडक्ट करना, बनाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जर्नलिज्म हो गया। जो वर्ड जर्नलिज्म है, हम मतलब जो ऑक्यूपेशन है जर्नलिज्म का, उसको उसके साथ साथ जो सिटीजन जर्नलिज्म होता है, जो कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए और उनको एज लिटरेरी टेक्निक्स यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ को भी जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट मीडिया में हमारा प्रिंट मीडिया आता है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, और जो भी पास्ट में न्यूज़ रील्स यूज़ होती थी वो भी जर्नलिज्म मीडिया, सॉरी जो जर्नलिस्ट मीडिया होता है उसमें आता है। ठीक है, फिर आगे हमारा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना, मैगजीन में, फिर ब्रॉडकास्ट करना रेडियो टेलीविज़न पे किसी न्यूज़ को, वर्क जो अभी आपने इकट्ठा किया है, राइटिंग, पब्लिशिंग न्यूज़ स्टोरीज, आर्टिकल्स। ठीक है, ये सभी के आर्ट को हम जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म एक फॉर्म होती है कम्युनिकेशन बेस्ड। जो जर्नलिज्म होती है वो कम्युनिकेशन की फॉर्म होती है, जो बेस्ड होती है क्वेश्चन आंसरिंग पे, क्वेश्चन जैसे कौन, कैसे, कहाँ, कब और क्यों। ठीक है, जो भी किसी भी तरह से न्यूज़ को कलेक्ट करने में, गैदर करने में, उसके सिलेक्शन में और जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको मतलब कलेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, केबल, इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो आगे जर्नलिज्म। ठीक है, अब है एटोमोलॉजिकली जो वर्ड जर्नलिस्ट है या जर्नल है, जर्नलिज्म है, वो ड्राइव हुआ फ्रेंच वर्ड जर्नल से, जो खुद लेटिन वर्ड डायजर्नलिस या डेली से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कोई डेली रजिस्टर या डायरी जिसमें आप पूरे दिन में आपने क्या ट्रांजेक्शन्स की, क्या आपका बिजनेस हुआ हर दिन का, वो आप लिखते हो हिसाब किताब, तो उसको डायरी या डेली बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारा जर्नलिज्म वर्ड ड्राइव हुआ है। लगता है कि जो वो डेफिनेशन है, जैसे बॉन्ड एफ फ्रेजर की, उन्होंने कहा कि जो टर्म जर्नलिज्म है उसमें हर फॉर्म आ जाती है जिसमें और जिसके थ्रू न्यूज़ और जो कमेंट्स हैं न्यूज़ पे वो पब्लिक तक पहुंचते हैं। ठीक है, और जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, जैसे कि और जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक का इंटरेस्ट कैच करेगी, उनके थॉट्स को कैच करेगी, एक्शन और आइडियाज़ उनके और जो भी हैपनिंग्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगी, वो बेसिक मटेरियल बन जाता है एक जर्नलिस्ट के लिए। नेक्स्ट है लेसी स्टेपन का, जर्नलिस्ट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग फॉर पे ऑन मैटर ऑफ विच यू आर इग्नोरेंट, ऐसे मैटर्स पे मतलब लिखना जो जिनके बारे में आप इग्नोरेंट, आपको नहीं पता है, उन सभी के बारे में जर्नलिज्म लिखता है। फिर डेनिस मैक्वेल ने कहा कि जर्नलिज्म को हम ऐसे डिफाइन करते पेड राइटिंग फॉर पब्लिक मीडिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू एक्चुअल ऑन गोइंग इवेंट्स ऑफ पब्लिक रेलिवेंस, पब्लिक रेलिवेंस के जितने भी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रहे हैं, मतलब जो भी एक्चुअल और ऑन गोइंग इवेंट्स हैं उनके रिलेटेड राइटिंग्स लिखना, उसको हम जर्नलिज्म बोलते हैं। जब हमने डेफिनेशंस की उनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जर्नलिज्म का मतलब है कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को कलेक्ट करना, उसको एडिट करना और जो भी करंट मतलब जो भी करंटली न्यूज़ में मतलब होगा, इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, उसको प्रेजेंट करना, उसको पब्लिक के ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, फिर
किसी भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन पब्लिक को किसी भी मीडिया के थ्रू, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है, ठीक है। और एक पर्सन जो जर्नलिज्म में एंगेज होता है उसको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम जर्नलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ न्यूज़, ठीक है, ताकि वो उन मीडिया के थ्रू को प्रेजेंट किया जा सके, पब्लिक प्रेस। फिर एकेडमिक स्टडी जो कि कंसर्न हो न्यूज़ की कलेक्टिंग और एडिटिंग से। फिर आ गया राइटिंग जो करेक्टराइज एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से या डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट जो भी उसके बिना किसी अटैम्प्ट के कि उसको इंटरप्रेट किया जाए। फिर करंट पॉपुलर टेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उनको उनसे रिलेटेड न्यूज़ देना, ठीक है। फिर आ गया टाइप्स जर्नलिज्म, मेनली चार टाइप्स हैं इसके, येलो जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म, अल्टरनेटिव एंड पेड न्यूज़ सिंड्रोम। जो येलो जर्नलिज्म है वो एक तरह का जर्नलिज्म है जिसमें ठीक है डाउन प्ले होता है लेजिटिमेट न्यूज़ का, जो आई कैचिंग हेडलाइंस के फेवर में होता है, जो ज़्यादा न्यूज़पेपर बेचे, मतलब एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें हेडलाइंस लिखी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी कलरफुल वे में, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, आई कैचिंग है, मतलब आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर बिकें, ज़्यादा सेल हों, तो उसको हम येलो जर्नलिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमारी एक्सप्रेशन ऑफ न्यूज़ आ जाती है, स्कैंडल मैनेजिंग हो जाती है, सेंसेशनलिज्म हो रही है, अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और जर्नलिस्ट करते हैं वो आती है, ठीक है। जैसे कैंपबेल ने डिफाइन किया कि येलो प्रेस न्यूज़पेपर के बहुत से मल्टी फ्रंट पेज हेडलाइंस होती हैं जिसमें वो बहुत से वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, स्कैंडल हो गया, बोल्ड लेआउट वो यूज़ करते हैं, लार्ज इलस्ट्रेशन होती हैं, कलर्स होते हैं, और हैवी जो रिलायंस होता है वो अननेम सोर्सेज पे होता है, और सेल्फ प्रमोशन को वो अनबैश्ड करते हैं, ठीक है। जो टर्म है वो मतलब एक सर्टेन मेजर न्यूयॉर्क सिटी न्यूज़पेपर को मतलब उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। फिर आ गया कि यह आ गया आपका येलो जर्नलिज्म, इसको आप प्रैक्टिस ऑफ ओवर ड्रामेटाइजिंग इवेंट्स भी बोल सकते हो। जो फ्रैंक लूथर था उन्होंने 5 करेक्टरिस्टिक्स दिए थे जिसके बेसिस पे एक न्यूज़ मतलब न्यूज़ जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म बोला जाता है। जैसे सबसे पहले स्क्वायर हेडलाइंस होती थी बड़े बड़े प्रिंट में, और माइनर न्यूज़ मतलब न्यूज़ बहुत माइनर होती बट उसकी हेडलाइंस इस तरह से लिखी होती थी कि आपका इंटरेस्ट बनता था कि नहीं हम इस न्यूज़ को पढ़ें। फिर लैविशिंग यूज़ होता था पिक्चर्स का और इमेजरी ड्राइंग्स होती थी, फेक इंटरव्यूज, मिसलीडिंग हेडलाइंस का, फिर स्यूडो साइंस का, इन सभी का यूज़ किया जाता था आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। फुल कलर संडे सप्लीमेंट जो होता था विद कॉमिक स्ट्रिप्स, तो उन पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस दिया जाता है, ठीक है। उन जो अभी नॉर्मली यूएसए में यूज़ होती है, जो ड्रामेटिक सिंपथी होती थी अंडरडॉग जो कि सिस्टम के अगेंस्ट उनको दी जाती है, ठीक है। या कि आपका येलो जर्नलिज्म। फिर आपका सिटीजन जर्नलिज्म, जो कंसेप्ट है सिटीजन जर्नलिज्म का उसको हम पब्लिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक या गुरिल्ला स्ट्रीट जर्नलिज्म भी बोलते हैं, वो पब्लिक सिटीजन पे बेस्ड होता है, एक एक्टिव रोल प्ले करता है जो प्रोसेस है मतलब न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, उसको रिपोर्टिंग, उसके एनालिसिस और डिसेमिनेटिंग ऑफ न्यूज़ में, ठीक है। अब जैसे कॉर्टनी सी राइडेश ने कहा कि जो सिटीजन जर्नलिज्म है अल्टरनेटिव एक्टिविस्ट फॉर्म में न्यूज़ इकट्ठा करने की और उसको रिपोर्ट करने की, जो कि फंक्शन मेन स्ट्रीम मीडिया इंस्टीट्यूशन से आउटसाइड मतलब बाहर फंक्शन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और आइडल से वो ड्राइव हुई होती है लेजिटिमेट एंड ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से, ठीक है। फिर जय रोशन ने कहा कि जब लोग जिनको हम जनरली ऑडियंस बोलते हैं वो प्रेस टूल्स को यूज़ करते हैं जो उनके पास हैं, ठीक है, और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, उसको हम सिटीजन जर्नलिज्म बोलते हैं। जो आइडिया है सिटीजन जर्नलिज्म के पीछे वो है कि लोग बिना प्रोफेशनल जर्नलिज्म के, जिनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है जर्नलिज्म की, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के टूल्स यूज़ करके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के इंटरनेट की हेल्प से क्रिएट मतलब कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज़ को क्रिएट करते हैं, फैक्ट्स को और मीडिया को मतलब चेकआउट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन जर्नलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया कि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि सिटीजन क्या होते हैं ज़्यादा तेज़ी से कोई भी रिपोर्ट कोई भी न्यूज़ वर्ल्ड को देते हैं, अगर हम कंपेयर करें जो भी ट्रेडिशनल मीडिया रिपोर्टर्स थे, ठीक है। जो नोटेबली इसकी एग्जांपल है वो है कि सिटीजन जर्नलिज्म जो मेजर वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे 2000 में हताई में अर्थक्वेक हुआ था, अरब स्प्रिंग का जो भी, उसके बाद अक्कू 5 वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुई थी, 2013 में जो प्रोटेस्ट हुआ था तुर्की में,
तो क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से काफ़ी जल्दी जो भी न्यूज़ डिसेमिनेट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो उसको हम सिटीजन जर्नलिज्म बोलते हैं। उसमें फ़ोटोज़ आते हैं, फुटेजेस आती हैं, जो भी वीडियो सिटीजन्स ने ली हैं, कोई भी जैसे कोई कार डोन हो रही है रोड पे, कोई लोग रेस्क्यू कर रहे हैं किसी विक्टिम को या कुछ भी, इस तरह की जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे चेन्नई एक डिज़ास्टर है, फ्लड हैं, बेस्ट एग्जांपल्स हैं सिटीजन जर्नलिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट में आता है अल्टरनेटिव जर्नलिज्म। अल्टरनेटिव जर्नलिज्म में क्या है, जनरली एक रिस्पांस है जो कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म है एज ग्लोबल डायनेमिक ऑफ डोमिनेशन एंड कंसोलिडेशन। एटनर हैमिल्टन ने कहा कि जो अल्टरनेटिव जर्नलिज्म एक ब्रॉड और कंपेरेटिव टर्म है जिसमें से जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स का जर्नलिज्म नहीं आता है, एम्पावरमेंट का जर्नलिज्म नहीं आता है, लेकिन उनका भी जो पॉपुलर कल्चर है एवरीडे की वो भी इसको कवर करते हैं, ठीक है। आउटसाइड मेन स्ट्रीम मीडिया इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो नेटवर्क्स होते हैं जिनको ना मतलब कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है एज अ जर्नलिस्ट। फिर आता है हमारा पेड न्यूज़ सिंड्रोम। पेड न्यूज़ सिंड्रोम या पेड न्यूज़ है जिसको हम पेड कंटेंट बोलते हैं, वो आर्टिकल्स जो न्यूज़ में या मैगजीन्स में छपते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाते हैं, जिनका कोई जो ना जिनके लिए पे किया जाता है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपने फेवर में कोई आर्टिकल छपवाएगी, तो वो उसके लिए उस न्यूज़पेपर को हम उसको पेड न्यूज़ सिंड्रोम बोलते हैं। वो क्या होता है कि न्यूज़ से ज़्यादा वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है जिसका कोई टैग, एडवर्टाइजमेंट टैग नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप की जो न्यूज़ होती है उसको एक सीरियस माल प्रैक्टिस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, सिटीजन्स को मिसगाइड करती है, उनको जो एक्चुअल में फैक्ट है उसके मतलब वो उसको जानने नहीं देते हैं। सेकेंड, जो पेमेंट मोड होता है वो वायलेट, जो टैक्स लॉज होते हैं, इलेक्शन स्पेंडिंग लॉज होते हैं, उनको वायलेट करता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा पेड न्यूज़ सिंड्रोम। अब पेड न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ आर्टिकल या आइटम जो मीडिया हाउस में पब्लिश हुआ है जिसके लिए आपको पैसे दिए गए हैं और जिसने पैसे दिए हैं उसके वो फेवर में है, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं बिना एडवर्टाइजमेंट टैग के, सो जो मेन रीज़न है इस पेड न्यूज़ की प्रैक्टिस के पीछे वो कि जो जर्नलिज्म है वो ना मतलब आजकल वो मनी मेकिंग बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने ना अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया और अपने TRPs को ये ज़्यादा कंसीडर करते हैं रादर कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करें, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड न्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मीडिया ट्रायल सेंसेशंस हो रही हैं। अब जैसे जो इलेक्शन कमीशन थी इंडिया में, उसने 42 ऐसे घटनाएं डिस्कवर की थी पेड न्यूज़ की, जो कि जिसमें कि नरोत्तम मिश्रा का जो ट्रिम था 2008 में असेंबली में वो भी आया था। लेकिन हालांकि जो कोई लॉ नहीं है जो इसको प्रोहिबिट करें या डायरेक्ट करें कि जो कमीशन ने कहा कि हजार्ड है पेड न्यूज़ कंडीशन में, फिर कि बिना किसी लॉ के जो इलेक्शन कमीशन था उसने चूज़ किया, जो मिश्रा है उसने डिस्टॉर्ट किया एक्सपेंसिस ऑफ हिज कैंपेन जो भी था, और उसको इस ग्राउंड पर प्रिक्लूड कर दिया गया। फिर उसके बाद 2009 में इलेक्शन जो ग्रुप ऑफ NGOs और रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी आई ओपनिंग रिसर्च की, जिसमें मतलब ये पता चला कि कैसे मीडिया हाउसेस जो पैसे लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी से उनके फेवरेबल कवरेज करते हैं, मतलब उनके फेवर में जो भी कवरेज होती है वो करते हैं, ठीक है, और जिसको बाद में फिनोमिन ऑफ पेड न्यूज़ हम बोलने लगे। सो ये आगे पेड न्यूज़ सिंड्रोम। अब है हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। जनरली एक्सेप्ट किया जो फर्स्ट जर्नलिस्ट था वो एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन था जिसका नाम थ्यूकिडाइस था, वो एथन में अब मतलब 400 BC के अराउंड उसका बर्थ हुआ था। एथनिक सिटी थी जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस माना जाता है, क्रेडल माना जाता है, ठीक है। हालांकि जो ड्यूकी साइड था और ग्रीक जो बाकी ग्रेट ग्रीक फिलोसफर्स थे कि प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ये जो उस टाइम जो एथनियन डेमोक्रेसी था उसके क्रिटिक्स थे, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी सिस्टम को कोई किसी भी सिस्टम में इफेक्टिवली वर्क करना है तो वोटर्स को जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। बट क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग जो प्रेस था या जो भी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो जो न्यूज़ को और कमेंट्री जो भी अफेयर्स है स्टेट के उनको डिसेमिनेट करना, लोगों तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था। प्रिंटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हैंड रिटन होते थे, उनकी कॉपीज़ भी हैंड रिटन होती, मतलब हाथ से लिखना पड़ता था, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल था उनको। फिर जो एक तरह से लोगों जैसे ये हमारे थ्यूकिडाइस डायडी थे, इन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए वर्क किया, कुछ राइटिंग
स्पीचेस लिखी जो उन्होंने खुद डिलीवर की लोगों में, या फिर कुछ ऑडिटर्स थे जो बाकी उन्होंने डिलीवर की। जो डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम था जिसके वो क्रिटिसाइज करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से रिप्लेस हो गई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे हमारे इंडिया में है कि लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, फिर पब्लिक डिसाइड करती है वो किसको मतलब लीडर चुनेगी एंड वो पब्लिक के बिहाफ पे जो भी डिसीजंस होंगे वो लेंगे। ठीक है, एक जो की एलिमेंट था जिससे अब ये एवोल्यूशन वो थे कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया सिटीजन्स में, और वो जो आइडल और प्रिंसिपल है वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हैंड डाउन होते रहे। लेकिन जो उस टाइम पीरियड था उसमें ना तो प्रिंटिंग थी ना पेपर था, ठीक है, इन्वेंट नहीं हुआ था। लेकिन इसलिए जो थियोकिडाइस था उसने अपने हैंड रिटन रिपोर्ट्स लोगों तक ज़्यादातर मतलब लोगों तक उसने पहुँचाया, बट कितने तक ही पहुँचा सकता है, कितने वो लिख सकता था। ठीक है, तो अबाउट 1000 ईयर्स बिफोर क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई। प्रिंटिंग और मूवेबल जो टाइप था उसकी जो इन्वेंशन वो फर्स्ट चाइना में हुई। ठीक है, चाइना ने वर्ल्ड को पेपर प्रिंटिंग दिया ताकि न्यूज़पेपर की डेवलपमेंट हो सके। जो फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था जो कि एक सिंगल पेज था वो चाइना में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था टैंग डायनेस्टी के टाइम में, जो कि 618 से 907-8 तक थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब पता चला कि हाँ भाई चाइना में इस तरह की कोई प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ है, एंड तो बहुत से जो सर्वल जो चाइना के चाइनीज़ पेपर मेकर्स थे उनको किडनैप किया गया, सेंट्रल एशिया ले जाया गया और वहाँ पे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने जो सीक्रेट है उसको रिवील करें, जो टेक्निक है सीक्रेट टेक्निक प्रिंटिंग की उसको रिवील करें। और एक बार जब पेपर मेकिंग की जो सीक्रेट वो रिवील हो गई, जो प्रोसेस था उसने मतलब फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक भी वो पहुंच गया। जो मोस्ट अर्ली न्यूज़पेपर थे काफ़ी शॉर्ट लिव थे क्योंकि प्रिंटिंग और पेपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और जर्नलिज्म को एक रिस्की बिजनेस माना जाता है क्योंकि जो भी पावर में होता है वो नहीं चाहता था कि उनको कोई क्रिटिसाइज़ करे। ठीक है, क्रिटिसिज्म किसको पसंद, किसी को पसंद नहीं होता है। तो जो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था वो डेली क्यूरेंट था जो 1702 में अपेयर हुआ था और मोर देन 30 ईयर्स तक उसकी पब्लिकेशन होती रही थी। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसने जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो न्यूज़पेपर इसको फिट करता है वो था न्यूयॉर्क हेराल्ड का, जो कि 1835 में पब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था और जेम्स गॉर्डन बैरनेट ने इनको पब्लिश किया था। ठीक है, अब आता है कि ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, इंडिया में जर्नलिज्म की ग्रोथ हुई है। ठीक है, अगर हम लिमिटेड सेंस की बात करें जिसमें हमारे इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग आती है और इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन आता है, उस सेंस में हम जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म इंडिया में एंशियंट और मिडिवल पीरियड में पाया जाता था कुछ पार्ट्स में। जैसे एंशियंट इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन थी वो रॉक्स और पिलर्स पे एनग्रेव की जाती जो एज अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन काम करती थी। जैसे एग्जांपल के लिए जो एम्परर अशोक का था वो उनके रॉक एडिक्ट्स होते थे और पिलर एडिक्ट्स होते थे वो उसके पूरे एम्पायर में एंड इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर पाए जाते थे। ठीक है, उसने अपने स्पाइज रखे होते थे ओवरसीज रखे थे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और उसको लाके देते थे। तो जो भी होता है फिर वो रॉक एडिक्ट्स के थ्रू जो भी अनाउंसमेंट करनी होती इन्फॉर्मेशन जो वो करता था। फिर सल्तनत पीरियड आया, बरेदे ममालिक थे या कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस था, उसने अथॉरिटीज़ के यूज़ किया जिससे वो इन्फॉर्मेशन देता था एम्परर को। फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसके स्पाइज थे जो उसको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन की जो भी जानकारी उसको देते थे। ऐसे मुगल गवर्नमेंट था उनके भी अपने स्पाइज हुआ करते थे, उनका अपना एक कोई डिपार्टमेंट था जो उनको देता था। ठीक है, फिर था कि जो बर्ड्स थे कथक से नरसुंदरास थे, उन्होंने भी लोगों को सोशल और कल्चरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। लेकिन हालांकि जो डिस्पोटिक फॉर्म थी गवर्नमेंट की इम्पॉसिबिलिटी थी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली, वो प्रोटो जर्नलिज्म ऑफ मुगल में थी। ठीक है, जो बंगाल था उसने कभी जर्नलिज्म में एक प्रॉपर सेंस में कभी उसने ग्रो नहीं किया। अब एक कंट्री में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कब मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस की बिगनिंग होगी तभी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की बिगनिंग होगी। तो ये हुआ जॉन गुटेनबर्ग ने जिसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया 1456 में। इंडिया में भी जब न्यूज़पेपर तब मतलब न्यूज़पेपर की जो बिगनिंग तब हुई जब प्रेस की बिगनिंग हुई। जो पुर्तगीज थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इंट्रोड्यूस किया था 1557 में, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाया और फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था वो बॉम्बे में स्टॉल हुआ 1674 में। हालांकि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था वो 1674 में स्टॉल तो हो गया, बट अबाउट 100 ईयर तक
कोई पब्लिकेशन न्यूज़पेपर की नहीं हुई। फिर विलियम बॉर्ड्स जो कि कंपनी का एक ऑफिसर था, उसने एक हैंड रिटन न्यूज़पेपर अनाउंस किया 1776 में और कहा कि मेरे रेजिडेंस पे आके आप इसको पढ़ो। अब इस न्यूज़पेपर का एम था क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी है इंडिया में उसके बारे में जो भी न्यूज़ हो उसके होम की और क्या क्या ग्रीवियंसेज कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चल रहे वो सारे बताने के लिए। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गैजेट या कैलकटा जर्नल जिसको हम बोलते हैं। एक वीकली न्यूज़पेपर था, बाद में इसका नाम हिक्कीज़ गैजेट रख दिया गया। हो गया जो हिक्की था उसने कहा कि ये न्यूज़पेपर मैंने स्टार्ट किया ताकि कंपनी के जो फेवरेटिज्म है उसका जो करप्शन है उसको एक्सपोज कर सकूँ। जितनी भी कंपनी की इनर फाइट्स थी हिक्की ने उनको भी कवर किया और साथ ही साथ उसने गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी स्पेयर नहीं किया। ठीक है, फिर राजा राम मोहन लाए थे, उन्होंने जो फ्री न्यूज़पेपर मैगजीन्स 1821 में पब्लिश किए थे। ठीक है, उनमें से समकंद कॉमेडी जो बंगाली में था, मिरातुल अकबर पर्शियन लैंग्वेज में, ब्रह्मानिकल मैगजीन थी इंग्लिश में। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए राजा राम मोहन राय ने कोशिश की सभी रीडर्स जो इंडिया में हैं डिफरेंट, आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कल्चर के लोग इंडिया में रहते हैं, सो उन सभी को कवर करने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर बॉम्बे में छपा था उसकी प्रिंटिंग पारसीज थे वो उन्होंने ओन किया था, जो कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल बेसिस थे जो इस तरह के वेंचर के लिए उसके ओनर थे। ठीक है, रुस्तम जी केशव पाठी जो उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बॉम्बे में 1777 में पब्लिश किया था। जो फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था वो गुजराती डेली मुंबई समाचार था, 1882 में पब्लिश हुआ था, जो इवन अभी भी पब्लिश होता है, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया का माना जाता है। अब आता है पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स क्या होते हैं, वो एक्टिविटी जिसके थ्रू लोग जनरल रूल्स जिनके अंदर वो खुद ही रहते हैं उनको बनाते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको अमेंड करते हैं। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट और कॉरपोरेशन का जो फिनोमिना होता है उससे पॉलिटिक्स रिलेटेड होती है, डिफरेंट ओपिनियंस की एग्जिस्टेंस, डिफरेंट वॉन्ट्स की जो भी और कंपटिंग नीड्स और अपोजिंग जो गारंटीज है, डिसएग्रीमेंट है रूल्स के अंदर, इनके अंदर लोग जीतते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो पीपल ने रिकोगनाइज़ किया कि जो अगर उन्होंने इन रूल्स को इन्फ्लुएंस करना है, अनश्योर करने की दे आर अपहेल्ड, सो उनको बाकी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो हन्ना अरेंट्स थे उन्होंने डेफिनेशन दी पॉलिटिकल पावर की एज एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब इसका मतलब क्या था, वाय द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन विच ट्राइबल व्यूज आर कंपीटिंग इंटरेस्ट आर रिकंसाइल्ड विद वन अनदर। तो ये डेफिनेशन दी थी हन्ना अरेंट ने। हालांकि जो पॉलिटिक्स थी इस ब्रॉड सेंस में वो बेटर थी अगर हम एज अ सर्च फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसको देखें देन इट्स अचीवमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी और स्कैरसिटी उसे क्या होता है कि वो इंश्योर करती है कि जो पॉलिटिक्स है वो इनएविटेबल फीचर है ह्यूमन कंडीशन का। अब डिफरेंट थिंकर्स थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो पॉलिटिक्स है इसको डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन दी, जैसे पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो चांसलर बिस्मार्क थे उन्होंने कहा जर्मन रिच स्टेज को, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कोई साइंस नहीं है बट एक आर्ट है। जो आर्ट बिस्मार्क के सोचते थे उनके माइंड में था वो था आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी कंट्रोल सोसाइटी में रहकर कंट्रोल एक्सरसाइज करना, कंट्रोल करना, जो भी कलेक्टिव डिसीजन है उनको बनाकर उनको इन्फोर्स करके, तो वो उनका मानना था कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसको वो पॉलिटिक्स बोलते थे। जो क्लासिकल डेफिनेशन थी पॉलिटिक्स की वो जो ओरिजिनल मीनिंग था एंशियंट ग्रीस से वहाँ से डिवेल्प हुई। जो पॉलिटिक्स था वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से ड्राइव हुआ था जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। ठीक है, जो एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज़ थी वो बहुत से मतलब इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिनका अपना हर डिफरेंट सिटी स्टेट्स का अपना अपना जो सिस्टम होता था गवर्नमेंट का। जो लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटी स्टेट थी वो एथेंस थे, जिसको हम जो क्रेडल भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बर्थ प्लेस बोलते हैं। सो इस स्लाइड में जो पॉलिटिक्स थी उसको हम विद रेफरेंस टू अफेयर्स ऑफ पॉलिस हम अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न फॉर्म में इस डेफिनेशन की वह है व्हाट कंसर्न द स्टेट, जो स्टडी है पॉलिटिक्स में ही उसमें हम गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं और एक्सरसाइज जो अथॉरिटी है उसकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है,
ये जो डेविड एस्टोन थे उनके राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है, जिन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। सो इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो कैबिनेट रूम्स में, लेजिस्लेटिव चैम्बर्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिस की जाती है एंड एंगेज होती है एक लिमिटेड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स में, लाइक पॉलिटिशियंस हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए एंड लॉबिस्ट हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एज बिंग आउटसाइड पॉलिटिक्स रिगार्ड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको नॉन पॉलिटिकल कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो मतलब कंट्री को रन करने में एंगेज्ड नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं नैरो मीनिंग है, तो इसको हम पॉलिटिक्स एज पार्टी पॉलिटिक्स मानते हैं। जो लिंक होता है पॉलिटिक्स और स्टेट अफेयर्स के बीच में वो हेल्प करता है कि जो नेगेटिव इमेज है पॉलिटिक्स की, जिसमें पॉलिटिक्स क्लोजली एसोसिएटेड है पॉलिटिशियंस की एक्टिविटीज से, उनको भी एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मतलब ऑफन देखा जाता है एज पावर सीकिंग हाइपोक्रेट्स, ठीक है, जो अपने पर्सनल एम्बिशंस को छुपाते हैं अपने रिटोरिक पब्लिक सर्विस के पीछे और जो भी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन होते हैं उनके पीछे, ठीक है। हालांकि ये जो परसेप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है मॉडर्न पीरियड में, क्योंकि इंटेंसिफाइड मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं जो भी मतलब जैसे करप्शन डिसऑनेस्टी के को वो करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक है, एंटी पॉलिटिक्स फिनोमिना को राइज करते हैं। नेक्स्ट में आता है पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर, जो सेकेंड और जो ब्रॉडर कंसेप्शन है पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल लाइफ में और पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। ये जो व्यू है पॉलिटिक्स का, ये हमें इसका जो ट्रेस मिलता है वो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के टाइम तक मिलता है। उनका फेमस वर्क था जिन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स मतलब जो मैन है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है नेचर से। ये कहने से उनका क्या मतलब था, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसमें रहकर एक ह्यूमन बीइंग गुड लाइफ जो है जी सकता है, अच्छी लाइफ जी सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो तो पॉलिटिक्स एक एथिकल एक्टिविटी है जो कि एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने से कंसर्न्ड है, ठीक है। और इसको एरिस्टोटल क्या बोलते थे, मास्टर साइंस बोलते थे। जो व्यू था पॉलिटिक्स का एक असेंशियल एक्टिविटी पब्लिक एक्टिविटी के तौर पे, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमेजेस को जनरेट करता है, ठीक है। ट्रेडिशन की ट्रेडिशनली बात करें जो जिसकी डेटिंग बैक टू एरिस्टोटल होती है, तो पॉलिटिक्स को एज अ नोबल एंड एनलाइटेंड देखा जाता है क्योंकि इसमें पब्लिक करेक्टर था, ठीक है। फिर ये पोजिशन क्या होती है फॉर्मली एंड्रोस पुई जैसे हमन एडेंट के द्वारा, जिन्होंने बोला कि ह्यूमन कंडीशंस दैट पॉलिटिक्स इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स, की उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स है वो मोस्ट फॉर्म है ह्यूमन एक्टिविटी क्योंकि इसमें फ्री और इक्वल सिटीजन्स के बीच में इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि इसने मीनिंग दिया लाइफ को और जो भी यूनिकनेस थी हर इंडिविजुअल की इसको अफर्म किया, ठीक है। सो ये आ गया हमारा पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस। जो थर्ड कंसेप्शन था पॉलिटिक्स का वो रिलेट करता है किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, सो उससे रिलेट करता है पॉलिटिक्स, ठीक है, एज कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंस। पॉलिटिक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेन की तरह उसको देखा जाता है, वो जिसको हम कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कॉम्प्रोमाइज उसमें हम यूज़ करते हैं, कॉन्सिलिएशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, और फोर्स को नेग पावर का यूज़ हम नहीं करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन होती है एक सोल्यूशन की किसी प्रॉब्लम के लिए, एक एज अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, उसमें क्या होता है पीसफुल डिबेट्स आती हैं और आर्बिट्रेशन आती है। ये जो व्यू होता है पॉलिटिक्स का, इसकी अब इसकी जो ट्रेसिंग है वो कब तक की है, एरिस्टोटल के टाइम तक के पर्टिकुलर में, इस बिलीव से कि जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटी के आइडल और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और मिक्स्ड है कि इसमें जो एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक फीचर्स दोनों आते हैं, ठीक है। एक लीडिंग मॉडर्न एक्सपोनेंट थे इस व्यू के, बर्नार्ड क्रिक, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा डिफरेंट इंटरेस्ट एक गिवन यूनिट ऑफ रूल्स में जो है कंसिलिएट किए जाते हैं। ठीक, इसलिए जो पोर्ट्रेड पॉलिटिक्स होती है एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर, जो कि कॉन्सिलिएशन चूज़ करती है रादर देन, सॉरी ये पेज थोड़े एक पेज आगे पीछे होगी तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, रादर देन वायलेंस एंड कोरिशन, हम मतलब हम पीसफुली कोई भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रादर देन कोई भी वायलेंस और कोरिशन यूज़ करके, ठीक है। इस तरह के व्यूज़ होते हैं पॉलिटिक्स के, वो एक डीप कमिटमेंट लिबरल रैशनलिज्म, जो रैशनलिस्ट प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्ट
करते हैं। सो ये आ गया हमारा पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब आ गया पॉलिटिक्स एज पावर। जो फोर्थ डेफिनेशन है पॉलिटिकल की, वो ब्रॉडेस्ट भी और मोस्ट रेडिकल भी है। तो ये देखती है पॉलिटिक्स को एट वर्क इन सोशल एक्टिविटीज हर कॉर्नर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। ठीक है, एड्रियन लेफ्टविच ने जैसे बोला पॉलिटिकल जो है, उन क्या बोले, पॉलिटिक्स है जो हर कलेक्टिव सोशल एक्टिविटी के हर्ट में हुआ, फिर वो चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सभी ह्यूमन ग्रुप्स में, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटीज में पॉलिटिक्स होती है। इस सेंस में हम देखें जो पॉलिटिक्स है वो सोशल इंट्रैक्शन के हर लेवल पे होती है, और फैमिलीज और जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, उनके बीच भी पाई जाती है, नेशन और ग्लोबल स्टेज पे तो होती है। अब अपने ब्रॉडेस्ट सेंस में जो पॉलिटिक्स है वो कंसर्न करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी रिसोर्सेज के यूज होते हैं इन कोर्स ऑफ सोशल एक्सटेंस, उनको ये कंसर्न करती है। जो पॉलिटिक्स होती है एबिलिटी होती है एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए किसी भी मीन के। ठीक है, जो ये जो नोशन है वो रिफ्लेक्ट होता है हैरोल्ड लास्वेल की बुक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, इसमें ये। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटिक्स होता है डाइवर्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन लेकिन जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ स्कैरसिटी। जो सिंपल फैक्ट है वो क्या है कि जो ह्यूमन नीड्स और डिजायर्स हैं इनफाइनाइट हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, मतलब आपकी कुछ आपको है कि आपके पास बाइक नहीं है, आपने बाइक लेनी है। ठीक है, अब आपके पास बाइक आ गई, अब आप बोलते नहीं मुझे अब कार चाहिए। ठीक है, मारुति सुजुकी लेनी है मुझे। अच्छा ठीक है, आपने मारुति सुजुकी ले ली। ठीक है, अब आप बोलते नहीं मुझे मारुति सुजुकी से कोई बड़ा ब्रांड चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बोलते मैंने मर्सिडीज़ लेनी है। सो इससे क्या दिखता है कि जो हमारी नीड्स हैं वॉन्ट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फिर आ गया कि जो पॉलिटिक्स होते हैं उसको हम एज अ स्ट्रगल ओवर स्केयर रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, और पावर को हम एज मीन जिसके थ्रू हम ये स्ट्रगल कंडक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पॉलिटिक्स एज पावर। अब है कि रिलेशनशिप क्या है पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म के बीच। जो मीडिया है वो प्रीडोमिनेंट सोर्स है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का, एक सिटीजन मतलब जो भी सिटीजन होते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, उनके लिए मास मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पीपल्स पे और पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मास मीडिया वो एक पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और इसका रोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि कैसे मीडिया उनके पब्लिक अपीयरेंस उनको शो कर रहा है। जो मीडिया होता है वो पॉलिटिकल रोल को फुलफिल करता है, जो भी पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं उनको डिसेमिनेट करके, ताकि जो पब्लिक है वो पॉलिटिकल चॉइसेस बना सके और नेशनल लाइफ में एंटर कर सके। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या होता है कि मीडिया जो होता है वो कम्युनिकेशन चैनल होता है जो इंश्योर करता है कि जो जो लोग पावर में हैं उनके ओपिनियंस जनरल पब्लिक तक पहुँचाए जाएँ और जनरल पब्लिक के ओपिनियंस पावर वालों के पास पहुँचाए जाएँ। जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका डायरेक्ट प्रेशर वो मीडिया पर नहीं कर सकते। जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो पब्लिक को इन्फॉर्म करती हैं और मतलब गवर्नमेंट में एज अ वॉच डॉग, मतलब गवर्नमेंट पे ध्यान रखती हैं वो अपने ड्यूटीज़ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, सो एज अ वॉच डॉग वो एक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी साइड जो होता है मास मीडिया होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है, लोगों की हेल्प करता है कि पॉलिटिकल डिसीजन में मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और जो भी ऑपरेशंस है गवर्नमेंट उनको अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है मीडिया डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। ठीक है, पहले तो ट्रांसपेरेंसी स्टिमुलेट करता है। ठीक, देन क्या होता है पॉलिटिकल वैल्यूज़ को सर्व नहीं करता है जो कि ट्रांसपेरेंसी को मोटिवेट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हाइड करते हैं पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। हालांकि जो पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी होती है वो इम्पॉसिबल होती है विद मास मीडिया कवरेज। ठीक है, विदाउट मास मीडिया कवरेज जो पॉलिटिशियंस होते हैं कई बार तो गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट कर लेती है जो भी इन्फॉर्मेशन की कवरेज होती है, ताकि उनके जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल्स हैं वो अचीव हो सकें ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करके। ठीक है, सो एक काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म के बीच में। जो डेमोक्रेसीज हैं जो रोल है जर्नलिस्ट का वो क्या माना जाता है कि पब्लिक डिबेट्स को हम इन्फॉर्म करें ताकि जो ऑडियंस है उनको एजुकेट बनाया जाए, वो एजुकेटेड चॉइसेस ले सकें। जो रोल है पॉलिटिशियन का उसका उनका काम क्या होता है कि प्रेजेंट करना कि जो भी इलेक्ट जो उनको इलेक्ट कर रहे हैं उनके कंसर्न्स को इंश्योर करना और अगर अप्रोप्रिएट है तो उन
उनको उनके ऊपर एक्ट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। इस तरह के जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें जर्नलिस्ट ऑडियंस के बिहाफ पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं, ताकि पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहें। जो जर्नलिस्ट होते हैं एक्सप्लोर करते हैं और इश्यूज़ को कवर करते हैं जो उनके रीडर्स और लिसनर्स को कंसर्न हो। ऐसा करने में एक वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस और पॉलिटिकल ओपिनियंस यूज़ करते हैं ताकि रिचेस्ट और मोस्ट कंप्लीट कवरेज पॉसिबल हो सके और लोगों तक पहुंच सके। अगर वो ऐसा करने में मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो और जो जर्नलिज्म है उसकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं और डायलॉग और डिबेट्स को एनकरेज करते हैं। कई बार क्या होता है, जर्नलिज्म को हम एज फोर्थ स्टेट भी रेफर करते हैं और जो मतलब कुछ एक हेल्दी और फेयर सोसाइटी की जो फंक्शनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल जर्नलिज्म प्ले करता है, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने कहा, जो कि यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, मेन ऑथर थे यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरे पे छोड़ दिया जाए कि मेरे डिसाइड करना है कि एक गवर्नमेंट बिना न्यूज़पेपर के या एक न्यूज़पेपर बिना गवर्नमेंट के हो, तो मैं कभी हेजिटेट नहीं करूँगा दूसरे के साथ जाने की, यानी कि न्यूज़पेपर बिना गवर्नमेंट के। हालाँकि जो जेफरसन था उन्होंने सही कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए देन पॉलिटिशियंस। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कई बार उनको डर भी होता है और उनका ये पता भी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि काफ़ी क्लियर है कि जो रिलेशनशिप है जर्नलिज्म और पॉलिटिशियंस हैं काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है जो भी एक जस्ट ऑफ फेयर सोसाइटी की फंक्शनिंग पे, ठीक है। पॉलिटिशियंस होते हैं क्या होते हैं, डिसीजन बनाते हैं, एक्शन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उन डिसीजंस को मतलब उनके बारे में पब्लिक को बताते हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस पब्लिक तक रिपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर हमें रिलेशनशिप समझना है पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म के बीच में, तो हम इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट डायनेमिक्स के थ्रू जो भी जर्नलिज्म और पॉलिटिशियंस के बीच एग्जिस्ट करते हैं उनको देखें। सो जो ये नीचे आपको कुछ टाइप्स दिए गए हैं इनका हम पढ़ेंगे। हंटर जर्नलिस्ट, ठीक है। जो हंटर जर्नलिस्ट है वो पॉलिटिशियन राउंड मतलब पॉलिटिशियंस को बिना रेस्ट के, सच बोलते ना कि नहा धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब तक उनको अपना शिकार मिल ना जाए वो कभी गिव अप नहीं करते हैं और पॉलिटिशियंस का कभी यकीन नहीं करते हैं जर्नलिस्ट, वो होते हैं हंटर जर्नलिस्ट, ठीक है। फिर आ गया एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट, ये होता है कि एक कॉज को कमिटेड होते हैं और अगर कोई पॉलिटिशियंस कॉज के अगेंस्ट है तो वो उसके साथ लड़ते हैं और अगर कोई उसको पॉलिटिशियन कोई सपोर्ट करे तो वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी मुश्किल होता है ऑब्जेक्टिव बनना क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव ऑफर करेंगे तो वो एंगल जिसको वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे हमारा एक्टिविस्ट जर्नलिज्म। फिर बड़ी जर्नलिज्म हो गया कि क्लोज फ्रेंड हो गया कोई पॉलिटिशियन का जो कि रेयरली उनकी पोजीशन पे कोई क्वेश्चन करता है और हमेशा पॉलिटिशियन को फेवर करता है, ठीक है। और हमेशा जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो अपना जो हाथ मतलब लैंड हैंड इन द सेंस कि उसका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके बेनिफिट के लिए, पॉलिटिशियन के बेनिफिट के लिए कवरेज करते हैं, ठीक है। और इजिली इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर आगे पोजीशन जर्नलिज्म, ठीक है। ये जो पॉलिटिशियन है वो जो पॉलिटिशियन उनके कॉम्प्रोमाइज ओवर फैमिलिटी से ओन्ड होते हैं, अपना जो जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी काफ़ी अर्ली एज पे ये लॉस्ट कर देते हैं और बहुत कम या अनपेड मेंबर्स पॉलिटिशियन पब्लिक रिलेशनशिप जो रिलेशन टीम के होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेम ड्रॉपिंग इंजॉय करते हैं और जो इन्फ्लुएंशियल हैं उनसे कनेक्टेड इनको देखा जाता है। फिर आगे पार्टी मेंबर जर्नलिस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम रबिश करते हैं, जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं जिनके से ये डिसएग्री करते हैं उनको मतलब उनके साथ, ठीक है। अपने एंथिज्म के लिए इनको सपोर्ट किया जाता है, लेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जर्नलिस्ट फेल हो जाते हैं इनको देखने के लिए। जो कंफर्टेबल जर्नलिस्ट आ गए, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो सिर्फ मतलब टाइम पास करते हैं या अपना खाना पीने का मतलब कमाई की तो चलो भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई जो भी करे, तो वो कंफर्टेबल जर्नलिस्ट आ गए। अभी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिस्ट ये होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है प्रोबिंग रिग्रेसर्स कैपिटल जर्नलिज्म से जो फेयर होते हैं, ठीक है। इनको सेल्फ सेंसरशिप के लिए प्रेशराइज किया जाता है, अपने ही सीनियर्स और पेयर जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं कि एक पॉजिटिव व्यू लो आप न्यूज़ का। ये इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म होता है जो कि लिटिल या ज़्यादा एक पब्लिक रिलेशन मशीन होती है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है कि आप खुद एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव न्यूज़ एजेंडा
बनाओ, ठीक है। फिर आगे टूर जर्नलिस्ट जो होता है, ये जो टूर जर्नलिस्ट होता है वो किसी भी पार्टी टाइप से फ्री होता है, इंटीग्रिटी होती है और उनको ख़रीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। पैशनेट होते हैं पब्लिक डिबेट जो होता है उसके, उनको इसको इन्फॉर्म करने के लिए जो भी ट्रुथ है उसी को ये मतलब बताते हैं, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते हैं और फेयरली रिपोर्ट करते हैं, और मल्टी परस्पेक्टिव मतलब होती हैं इनमें। हालांकि अगर इनको कोई डिसलाइक भी करे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा सच ही बताते हैं, ठीक है। अब आगे कि एक जर्नलिस्ट का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को कवर करने में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जर्नलिस्ट का वो है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर करना, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं कंट्री में, जिसमें हमारा इलेक्शन प्रोसेस आ जाता है, बजटिंग आ जाता है, पार्लियामेंट्री के जो भी प्रोसीडिंग्स काम हो रहे हैं, स्पीचेस रैलीज पॉलिटिशियंस की, फिर गवर्नमेंट फंक्शन कर रहे हैं, इन सभी प्रोसेसेस को कंट्री में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक जर्नलिस्ट का। जो जर्नलिस्ट होता है वो पॉलिटिशियन और पीपल्स के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। तो जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म है वो एक सिग्निफिकेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका काम क्या होता है, वोटर्स को इन्फॉर्मेशन देना ताकि अपने वो ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकें, बना सकें, और कम्युनिटी लोकल नेशनल मैटर्स में जो उनको इफेक्ट करते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। एक बार जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है हर्बर्ट हम्फ्रे, उन्होंने कहा था कि हमें प्रेस से बात करना हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि उन्होंने क्या रिपोर्ट करना होता है जो आपने बोला होता है कि, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सोचते हैं कि जर्नलिस्ट जो है उनके लिए फ्रेंडली हैं, तो लेकिन जब वो देखते हैं कि पॉलिटिशियंस ने ऐसा कुछ बोला है जो उनके फेवर में नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, जो कि उनकी पार्टी को बेस्ट लाइट में पोर्ट्रेट नहीं करते, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। हालांकि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम प्ले करते हैं। जो इलेक्टोरल जर्नलिज्म होता है एक सब्जीन होता है पॉलिटिकल जर्नलिज्म का, जो कि फोकस करता है जो भी डेवलपमेंट हो रही है जो इलेक्शन और पॉलिटिकल कैंपेन्स रिलेटेड उनके ऊपर, ठीक है, उनको एनालाइज करता है, सो उन पर फोकस होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलेक्टोरेट का, जो जिनको एजुकेट किया जा सकता है और ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है, एक स्पेसिफिक वोट को एम्पावर करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ किया जाता है, जैसे स्टैटिक्स पोल, हिस्टोरिक डाटा, जो भी कैंडिडेट के जो चांसेस हैं सक्सेस के लिए ऑफिस या पार्टी चांसेस हैं साइज इन साइज लिटरेचर में, तो उसके रिगार्डिंग जो भी यूज़फुल न्यूमेरिकल डाटा होगा उसका यूज़ किया जाता है। नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे एक न्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है ताकि उसकी मोर रेलिवेंस वो होल्ड कर सके, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड कर सके। तो इन्फॉर्मेशन ऐड जो भी रिपोर्ट्स में ऐड की जाती है, जो कैंपेन स्टेटस है पॉलिटिकल इवेंट्स का, उसका जो पॉलिटिशियंस की जो स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेटजी होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है या बिना किसी कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हर पार्टी कैंडिडेट के जो ट्रेंड्स हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है एंड जो उनको प्रीवियस पार्टी कैंडिडेट से कंपेयर किया जाता है। जो न्यूज़ होती है इलेक्शन के स्टेटस पे, जैसे बाकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है, वो भी डिफरेंट मीडियम्स में आप तक पहुँचाई जाती है, आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please like, share, and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get notifications of our upcoming videos. And JKSSP 4th class के लिए भी video upload होने वाली है, आज या कल तक upload हो जाएगी, तो channel को please subscribe कर लीजिए, bell notification दबा लीजिए, ताकि जब भी video upload हो आपको उसकी notification मिल जाए। And current affairs की daily video upload होती है, तो उसके लिए भी आप channel को join कर सकते हैं। बाकी आप हमें telegram में join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे PDFs मिल जाएंगी जो मतलब अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं सभी। बाकी आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।